हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिलन थॉमस की लिखी एक पोएम, डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, डिलन थॉमस, ही वॉज बॉर्न इन 1914 एंड डाइड इन 1953। और इनका जन्म वेल्स यूके में हुआ, तो इनको हम वेल्श पोइट भी कहते हैं। और इनकी मृत्यु यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। ये इंग्लैंड के बहुत इम्पॉर्टेंट पोइट समझे जाते हैं। अगर हम माने W.H. ऑर्डन के बाद मॉडर्न पोइट्स में इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और इन्होंने बहुत सारी और पोएम्स भी लिखी, जिनमें 25 पोएम्स इनकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री द मैप ऑफ लव एंड डेथ्स एंड एंट्रेंसेस। ये बहुत जल्दी जल्दी इनकी पोएम्स सारी रिलीज हुई और ये सारी ही बहुत जिनकी हम रिस्पेक्ट की जाते हैं, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इन पोएम्स का बहुत नाम है। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और इनका जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था वो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग के अंडर पब्लिश हुआ। और इन्होंने एक प्ले भी कंपोज किया, अंडर द मिल्क वुड, ये रेडियो प्ले था एक। और इस बात से हमें पता चलता है कि कितने डिफरेंट यॉनर्स इन्होंने जिन पे अपना हाथ आजमाया है। तो चलिए अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट, ये बड़ी एक स्ट्राइकिंग पोएम है। इसमें जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा इंटरलोक्यूटर है, वो पोएट ही है। और ये पोएम एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है और ये उसने अपने फादर को एड्रेस करके लिखी है, जिनकी मृत्यु होने वाली है। और वो उनको मोटिवेट कर रहा है कि अपने आप को मौत के प्रति समर्पित ना करें, फाइट करें और इतनी आसानी से मौत की तरफ मत बढ़ें, एक रिबेलियन की तरह उसका सामना कीजिए और अपनी जीने की जो एक इच्छा है उसको बनाए रखिए। तो ये इस बात की ओर संकेत करती है कि लाइफ अपने आप में एक बहुत ही होली कॉन्सेप्ट है, एक बहुत पवित्र चीज़ है और हमें इसका आदर करना चाहिए। इसको उतने ही रिस्पेक्ट से ज़िंदगी को देखना चाहिए जितनी रिस्पेक्ट से हम भगवान को देखते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो भी लोग मरने वाले हैं, चाहे वो कितने बुजुर्ग होके मरने वाले हैं, उनको लाइफ के प्रति इतनी अपना हार नहीं मान लेनी चाहिए, उसको एक टफ फाइट देनी चाहिए। और अगर वो मरे भी तो उनको एक हेरोइक वे में मरना चाहिए, एक हीरो की तरह वो प्राण त्यागें, ना कि मौत को सबमिट कर दें, उसके कदमों में अपने आप को बिछा दें कि हाँ अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो पोइट है वो डिफरेंट लोगों के एग्जाम्पल दे के पोइट अपने फादर को ये चीज़ समझाता है। तो चलिए हम देखते हैं पोएम में उसने किस तरह से इस बात के लिए अपने फादर को कन्विंस किया है। मैं पढ़ती हूँ ये पोएम, साथ साथ में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये एक ये जो पोएम है ये एक अलग तरह की फॉर्म में लिखी गई है, जिसको विलेनेल कहते हैं। ये एक फ्रेंच फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसमें 19 लाइन्स होती हैं। तो इंग्लिश में बहुत कम पोएम्स हैं जो इस तरह से लिखी गई हैं, और डिलन थॉमस ने ये काफ़ी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था इंग्लिश पोइट्री में। इसमें 19 लाइन्स होती हैं इस तरह की पोएम में, और जिसको 5 स्टैंजास ऑफ 3 लाइन्स में डिवाइड किया जाता है, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग क्वाट्रेन होता है। लास्ट में 4 लाइन्स का एक कंक्लूडिंग स्टैंजा होता है, जो कि पोएम को एक लास्ट में एक अलग दिशा देता है, जिसमें पोइट अपना सेंट्रल आइडिया रखता है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage against the dying of the light. इसमें स्पीकर ये कह रहा है कि गुड नाइट, यहाँ पे डेथ के लिए वर्ड यूज किया गया है, और कहा है बड़ी आसानी से हमें मृत्यु की ओर नहीं चले जाना चाहिए। ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग हैं, उनको जैसे ही उनको ऐसा लगे कि ओल्ड एज उनको अप्रोच कर रही है, उनको अपनी पूरी शक्ति से प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए।
रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, वो जो लाइट उनमें थी जो अब बुझने वाली है, तो उसको जलाए रखने के लिए उन्हें किसी भी हद तक चले जाना चाहिए और अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए मौत के सामने कि वो हार नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं। दो वाइज मैन एट देयर एंड नो डार्क इज राइट बिकॉज देयर वर्ड्स हैव फॉग्ड नो लाइटनिंग दे डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट। फिर उसने वाइज लोग जो समझदार लोग हैं उनकी एग्जाम्पल देते हुए कहा है, उनको बहुत पहले से पता था कि डार्क इज राइट, मतलब कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, यानी कि वो आनी ही आनी है, वो एक सत्य है। लेकिन क्योंकि उनके जो वर्ड्स हैं इस तरह से उन्होंने कभी कोई वर्ड्स ऐसे यूज नहीं किए कि जिससे ये पता लगे कि वो मौत के बारे में इस तरह से सोच रहे हैं और वो मौत की तरफ जाते हुए लड़े और उसको रेजिस्ट किया, और ये वो अपने हिम्मत के जरिए, अपने एटीट्यूड के जरिए दिखाते हैं, मगर उन्होंने ये सब अपने शब्दों में नहीं वो चीज़ ये कह पाए मौत आने से पहले। गुड मैन द लास्ट वेव बाय क्राइंग हाउ ब्राइट देयर फ्रेल डीड्स माइट हैव डांस्ड इन ग्रीन बे रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। फिर उसने वाइज मैन के बाद गुड मैन के एग्जाम्पल दी है कि चाहे उन्होंने जिंदगी में बहुत काम किए हों लेकिन मौत से पहले उनको ऐसा लगेगा कि एक फ्रेल डीड यानी कि छोटे मोटे कई काम रह गए हैं करने के लिए, तो उनको उस बात का भी होता है कि वो भी काम हम कर लें, हो सकता है इसी से कुछ फर्क पड़ जाए, हो सकता है इसी से दुनिया को वो दिखा सके कि ये भी काम कितना ज़रूरी था। तो वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से लेते हैं कि मौत को एक वो खुली चुनौती देते हैं और उसका डट कर सामना करते हैं। रेज रेज अगेंस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया मरने से पहले, हार नहीं मानी। वाइल्ड मैन हु कॉट एंड सैंग द सन इन फ्लाइट एंड लर्न टू लेट दे ग्रीव्ड इट ऑन इट्स वे डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट। अब उसने वाइल्ड मैन यानी कि एडवेंचरस मैन या ब्रेव मैन के एग्जाम्पल देते हुए कहा है, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह के बहुत हैरत अंगेज कारनामे करते हुए, बहुत ब्रेवरी वाले एडवेंचर्स करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, और उनको बहुत लेट ये समझ में आता है कि अब हम जाने वाले हैं, और जब वो जा रहे हैं तो उनके मन में एक तरह का अफसोस है क्योंकि तब तक उनको ये समझ आ चुकी है ये पड़ाव हमारा, ये जर्नी हमारी आखिरी जर्नी हो सकती है और इसके बाद कोई पड़ाव नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मौत के सामने हार नहीं मानी, उन्होंने भी इसका डट कर विरोध किया, इसका सामना किया। ग्रेव मैन नियर डेथ हु सी विद ब्लाइंडिंग साइट ब्लाइंड आईज कुड ब्लेज लाइक मीटियोर्स एंड बी के रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। जो ग्रेव मैन यानी कि जो सीरियस माइंडेड पर्सन है, उन्होंने भी डेथ को रिजेक्ट किया इसी फीलिंग के अंडर कि वो ओल्ड एज में और बहुत कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और वो ये भी समझ सकते हैं कि ओल्ड एज में हम जाके बहुत हैप्पी भी रह सकते हैं। ब्लाइंड आइज कुड ब्लेज लाइक मीटियोर्स यानी कि उस वक्त भी एक ब्राइट फ्लैश उनके सामने आ सकता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं। तो उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया मौत को देख के, उन्होंने रेजिस्ट किया। तो ये जो लाइन लास्ट में हर पैराग्राफ में आती है, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट तो एंड डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, तो ये एक तरह का रिफ्रेन है जिसको पोइट बार बार यूज़ करता है टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कि सबमिट नहीं करना है, रेजिस्ट करना है, सामना करना है, विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है। तो ये एक अंडरलाइन फीचर, एक थीम बन जाता है इस पोएम का। एंड द लास्ट स्टैंजा इज एंड यू माय फादर देयर ऑन द सैड हाइट कर्स ब्लेस मी नाउ विद योर फियर्स टीयर आई प्रे डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। अब पोएट जो है वो ब्रॉड से स्पेसिफिक हो गया है क्योंकि लास्ट में पोएम को उसने बहुत पर्सनल कर लिया है, क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो अपने पिता की तरफ ले आया है जो भी डेथ बेड पे हैं, तो वो चाहता है उसके पिता उठें, उसको
अपनी इमोशन से अवगत कराए, मुझे बताएं उनके मन में क्या चल रहा है, वो मुझे कर्स दें, वो मुझे ब्लेस दें, फियर्स टीयर्स दिखाएं कि वो दुखी हो कि वो मर रहे हैं। वो नहीं चाहता अपने अपने फादर को कि वो रेजिस्ट करे और मीकली डेथ को एक्सेप्ट करे। वो अपने फादर को सारे ओल्ड मैन की एग्जाम्पल दे दे के समझा रहा है, किसी ने भी मौत के सामने हार नहीं मानी, मीकली एक्सेप्ट नहीं करना है। इस तरह से नहीं कहना है कि बस अब तो मेरा वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूँ। गिव डेथ अ टफ कॉम्पिटिशन कि मौत भी आने से पहले सोचे। वो अपने फादर को इस तरह से जेंटली उस तरफ मौत की तरफ नहीं जाने देना चाहता। वे चाहते हैं कि वो रेज करें, प्रोटेस्ट करें और फाइट करें उस लाइट के लिए, वो लाइट जो कभी भी आपकी ज़िंदगी को रोशन कर सकती है, चाहे वो ओल्ड एज ही क्यों ना हो। वो अपने फादर को और तमाम जो वृद्ध व्यक्ति हैं उसको, उन लोगों को उस लाइट को पाए हुए देखना चाहते हैं। तो वो लाइट जो कि पावर का सिंबल है, जो एनर्जी का सिंबल है, जो हीट का, जो जिंदगी का सिंबल है, तो लाइट या लाइटनिंग या मीटियोर, किसी ना किसी तरह से लाइट की, प्रकाश की बात की गई है। तो वही प्रकाश है जो हमें जीना सिखाता है, ये उसी इमोशन की बात की गई है। तो पोइट चाहता है वो प्रकाश से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क सब दिव्यमान हो जाए और वो तमाम जो वृद्ध लोग हैं उनके जरिए अपने पिता को ये संदेश देता है कि वो मौत के सामने हार ना माने। थैंक यू। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं या कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।